नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुमित कटियार अयोध्या उत्तर प्रदेश से फार्मर द जर्नलिस्ट में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हर आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, मैं अलग अलग क्रॉप के बारे में बताता रहता हूं अक्सर। तो आज एक नई क्रॉप के बारे में बताएंगे, ब्रिंजल क्रॉप का नाम है ब्रिंजल, जिसे कहते हैं एक प्लांट, आम भाषा में कहें तो बैगन, कहीं कहीं इसे भाटा के नाम से भी जाना जाता है। तो बताएंगे आप लोग इसकी खेती कब कर सकते हैं। तो बता दें इसकी खेती हम लोग तीनों मौसम में कर सकते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट है, एक क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल नहीं है, जैसे कह सकते हैं कि इसको एक बेसिकली से आलू को हम लोग सिर्फ सर्दियों में ही ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। लेकिन ब्रिंजल एक ऐसा क्रॉप है, इसको हम तीनों मौसम में ग्रो कर सकते हैं, रबी हो गया हमारा, खरीफ हो गया, जायद हो गया, इन तीनों सीजन में हम लोग ब्रिंजल को उगा सकते हैं। तो आपको बताएंगे विस्तार से कैसे करनी है इसकी खेती, तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, ये ब्रिंजल की फसल लगी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी, और इसमें डिजीज़ भी बहुत कम लगे हुए हैं। आप अगर करीब से देखेंगे तो काफ़ी क्रॉप ग्रो कर रही है। तो बताएंगे इसके लिए स्टार्टिंग करते हैं किस प्रकार की मृदा का चुनाव करेंगे। तो वैसे ये हर प्रकार की मृदाओं में क्रॉपें ग्रो हो जाती हैं, लेकिन एक बेसिकली जो मृदाएँ होती हैं उसमें बता दें बलुई दोमट मृदा इसके लिए सबसे उपयुक्त रहती है। तो बताएँ खेत की तैयारी कैसे करेंगे। खेत की तैयारी के लिए हम लोग एक से दो जुताई करते हैं, जिससे भूमि हमारी खूब भुरभुरी हो जाए। भुरभुरी हो जाने के पश्चात इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि भूमि का पीएच क्या है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एसिडिक और सैलिनिटी पर, अम्लीय और क्षारिता पर। तो इसलिए औसतन पीएच माना जाता है वो 6.5 से लेकर 7.5 तक, इसके अच्छा ग्रो करने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग भूमि की तैयारी करेंगे। भूमि की तैयारी करने के बाद हम लोग लगभग जो होता है ये पौधा बैगन का, इसको पौधरोपण के लगभग एक महीने पहले इसकी नर्सरी तैयार कर लेंगे, जो कि ज़्यादा बेहतर रहता है। पौधरोपण जो हम लोग नर्सरी तैयार करेंगे, वो पौधरोपण यहाँ करेंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्ति होगी। तो बता दें कि उसके लिए हमको 300 से 350 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी एक हेक्टेयर की रोपाई के लिए। जिसकी रोपाई कितने अंतराल पर करनी है, कितनी दूरी पर हम लोग पौधे, तो आप लोग ये देखेंगे जब लगभग ये 60x45 सेंटीमीटर दूरी पर रोपित किए गए हैं। तो ये लगभग बता दें क्रॉप कब तक तैयार हो जाती है, कब तक इसमें फ्रूट्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पौधरोपण के लगभग 70 से 90 दिनों बाद इसमें फ्लावर और फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाए, जो क्रॉप हम लोग हार्वेस्टिंग रेडी कर सकते हैं लगभग 120 दिनों के बाद। तो उसके हम लोग जो बैगन है उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। बात करते हैं कितनी इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है, वो इरिगेशन की आवश्यकता निर्भर करती है सीजन के हिसाब से, क्या सीजन है, विंटर है, रबी है, खरीफ है। तो अगर विंटर में कर रहे हैं तो पानी कम आवश्यकता पड़ेगी, लगभग भाई 5-6 पानी हो जाएगा। और अगर भाई खरीफ की बात करते हैं तो वर्षा नहीं होने की स्थिति में हम लोग सिंचाई करेंगे। अब बात करते हैं जायद की, जिस हिसाब से मौसम सूखा पड़ता है, सूखी रहेगी भूमि, 5-7 दिन के अंतराल पर इसमें सिंचाई करते रहेंगे, इसकी कब हम लोग बुवाई करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं विंटर में, विंटर में इसकी हम लोग पौध की रोपाई 8-9। बात करते हैं खरीफ में 9-10। बात करते हैं जायद में तो 3-4 के मध्य में इसकी हम लोग रोपाई करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसके पौधों की रोपाई करके, और लगभग इसकी यील्ड की बात करते हैं तो लगभग 20-30 टन प्रति हेक्टेयर हमको यील्ड प्राप्त हो जाए, जो कि मार्केट में 20-30 रुपये किलोग्राम के दर से ये बैगन बेचता भी है। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी खेती करके मुनाफा उठा सकते हैं। तो आप लोग बैगन खेती करने के इच्छुक हैं तो इस प्रकार से इसकी खेती करके मुनाफा उठा सकते हैं। इसी के साथ किसान भाई इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।